यार आप आगे 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 जल्दी से आगे आ जाए। खासकर सेक्रेटरी बीच लाहौर कल शाहजहां एडमिनिस्ट्रेटर साहब साजिद खोखर ने भी तशरीफ लाना था लेकिन कोर हेडक्वार्टर में कमिटमेंट की वजह से वो नहीं आ सके। हमारे इस दफ्तर के खुलने का मकसद है कि जितने लोग जिनको ट्रांसफ़र के लिए मुल्तान आना पड़ता था उनकी सहूलत हो जाए और उनकी ट्रांसफ़र लाहौर में हो जाए। और मकसद सिर्फ जो हजरात इन्वेस्टमेंट के लिए या प्रॉपर्टी लेने के लिए मुल्तान में इंटरेस्टेड है उनके लिए सहूलत पैदा करना है। मैं चंद एक चीज़ें डीएचए मुल्तान के बारे में आपको बताता चलूँ। डीएचए मुल्तान अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा जा रहा है, डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार सेक्टर्स में काम तेज़ी से जारी है और बाकी चार से छः सेक्टर्स इस साल इंशाल्लाह और डेवलपमेंट का काम दे दिया जाएगा। बैकड्रॉप में भी आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, मैं इनको एक्सप्लेन करता चलूँ। एंट्रेंसेस जैसा कि गेट से विजिबल स्क्री 3 जो है उसका संग बुनियाद रखा जा चुका है और दो में होंगे डीएचए विलास। हम लोग ये विलास खुद बना रहे हैं 6 मरले। हम इसको मार्केट में पब्लिक करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। आइए बुकिंग जो भी पहले आपको एरेना नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली एक इवेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें गेस्ट रूम्स बैंकवेट हॉल्स। ये आपको बता दूं कि जब आप एंटर होंगे, मैंने जब उसका स्केच भी देखा 3Ds देखी तो वो आप कह सकते हैं कि मुल्तान में मिनी दुबई का पूरा कॉम्प्लेक्स ला के बैठा दिया गया है। उसके अलावा हमारा सलामत स्कूल सिस्टम जो लाहौर का ही स्कूल सिस्टम है उनके साथ भी MOU हो गया है। 2019 का जो उनका सेशन होगा वो DHA के अंदर शुरू होगा। शफात स्कूल सिस्टम के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा चंद एक यूनिक चीज़ें जो हम इस DHA को देना चाह रहे हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि वो भी फर्स्ट इन पाकिस्तान, उसके अंदर एक मिक्स प्रोजेक्ट होगा, अ शॉपिंग मॉल विद अपार्टमेंट्स, दैट वोंट बी द फर्स्ट बट डेफिनेटली अ यूनिक वन। इसके अलावा मेरी जो कोशिश हो रही है 5-स्टार होटल चेन इंटरनेशनल ब्रांड का होटल मैं इधर लेकर आऊँ, मेरी बातचीत उस पर चल रही है। एंड दैट वुड बी द वन जो कि पाकिस्तान में पहली उसकी ब्रांच होगी और मेरी इस वक्त पाकिस्तान में उस होटल चेन की कोई ब्रांच नहीं है। इस वक्त मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा लेकिन वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स में से है। इसके अलावा जिस पे हमारा इस वक्त काम चल रहा है वो है गोल्फ कोर्स लाइफ स्टाइल कम्युनिटी। पाकिस्तान में गोल्फ कोर्सेज तो बेतहा हैं, मैं खुद बहुत शौक से गोल्फ खेलता हूँ बट अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी विजन दी कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट काम करना चाह रहा हूँ। डिफेंस राया जिधर हम बैठे हैं इसके नज़दीक बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स है बट गोल्फ कोर्स तो बेतहा है पाकिस्तान में, कोई ऐसा गोल्फ कोर्स नहीं है जो कि पाकिस्तान का नाम दुनियाए गोल्फ के नक्शे के ऊपर उभार सका हो। गोल्फ कोर्स बनाना कोई इशू नहीं है लेकिन दुनिया को पता चले जहां गोल्फ कोर्स की बात हो वहां पे पाकिस्तान का गोल्फ कोर्स फिगर आउट करें, मेरी कोशिश वो है। 2-3 के साथ मेरी बातचीत चल रही है, 1 के साथ ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। एल्स गोल्फ
कोर्स एल्स अर्नी एल्स सिग्नेचर गोल्फ कोर्स भी हमारा इंशाल्लाह जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और यहाँ पे एशियन टूर का और यूरोपियन टूर के इंशाल्लाह मैचेस भी आएंगे, उसकी मैनेजमेंट भी टून गोल्फ इंटरनेशनल के साथ मेरी बातचीत चल रही है। इसकी जो रियल एस्टेट होगी उसकी डिज़ाइनिंग भी इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आप में से जिन हजार ने दुबई में जुमेरा गोल्फ कोर्स देखा है, जुमेरा गोल्फ एस्टेट रादर आई वुड से, उसकी याद लोगों को ज़रूर ताज़ा कराएगी। तो हमारी कोशिश है कि DHA मुल्तान को जल्द से जल्द डेवलप करें और एक यूनिकनेस DHA मुल्तान को दें। और ये सब थैंक यू सो मच।